आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सीरीज आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन बतानी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सो वो आपको देता है सोडियम क्लोराइड वाटर एंड लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, राइट। सो देखो, आपको समझना होगा, ये आपके सामने वर्ड इक्वेशन है, मुझे केमिकल इक्वेशन बतानी है। सो केमिकल इक्वेशन बेसिकली आपकी क्या होती है, सिंबॉलिक आपकी क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ योर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो बेसिकली आपकी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल सिंबल्स एंड योर फॉर्मूले, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सो स्टेप्स होते हैं मेरे पास किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। सो आपके पास क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिकली आपका रिएक्टेंट होगा एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है आपके पास NaHCO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है आपके पास HCl। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपका बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, राइट। सो प्रोडक्ट्स भी हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। सो प्रोडक्ट्स आपके क्या है, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, वाटर दैट इज H2O एंड आपके क्या है CO2 गैस, राइट। सो ये तो केमिकल इक्वेशन हो गई, बट अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो आपको दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपके सेम करने होंगे, राइट। सो आप देखोगे ये रिएक्टेंट साइड थी, ये प्रोडक्ट साइड। सो नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करते हैं, दोनों साइड सोडियम का एक एटम है, राइट। दोनों साइड हाइड्रोजन के भी दो दो एटम्स हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन भी आपकी क्या है, बैलेंस्ड है, आप देख सकते हो। सो इट मीन्स आपको यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी, ये आपकी ऑलरेडी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट। सो बैलेंसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज हमें किसी भी इक्वेशन की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को उसको फॉलो कराना होता है, राइट, कि दोनों साइड आपका मास इक्वल हो जाए। फाइन, वो आप कर सकते हो अगर आपके एटम सेम है। सो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।